हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज हम इसके बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो भी उनका सब्जेक्ट है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के नाम से जाना जाता है, आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल नाम से जो सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्टों के हम बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और आपकी परीक्षा 2021 जो आपकी ऑनलाइन होने वाली है उसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं यदि आप इन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चन इतने आपको कराते हैं। लगभग आपको कराएंगे हम, ये मान के चलिए इस पर 15 वीडियो लेक्चर बना करके आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आप यदि इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और बाकी चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ क्या है हमारा। तो देखिए, हमारे पार्ट वन है जो हमारे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का चैप्टर नंबर वन है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। आज हम उस चैप्टर से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आपको बता चले डीसी सर्किट के नाम से जो चैप्टर आपका है, आज हम उस चैप्टर से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और आगे वाली वीडियो में हम सारे मिश्रित टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आप बेहतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकें। और बाकी बढ़ते हैं, चलिए वीडियो की तरफ। क्या है देखिए, प्रतिरोध की इकाई होती है। तो देखिए, हमारा जो प्रतिरोध होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, जैसा कि आपको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी, तो उसका जो इकाई यानी उसका जो मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे उसका मात्रक ओम होता है। आपको पता होगा महो नहीं होगा, ओम सेंटीमीटर भी नहीं होगा और महो पर सेंटीमीटर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ओम मीटर होगा और ओम होगा सॉरी ओम होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दो, देखिए कंडक्टेंस की इकाई होती है। तो हमारा जो कंडक्टेंस यानी चालकता होती है उसकी इकाई महो होती है। क्या होती है, महो होती है, क्योंकि अच्छा अब चलिए कंडक्शन क्या होता है जो हमको पता चले कि देखिए जो कंडक्टेंस होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसीलिए इसके जो मात्रक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, महो हो जाएंगे। और सारे तीनों ओम और ओम सेंटीमीटर और महो पर सेंटीमीटर रॉन्ग हो जाएंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थ्री वो चलिए देखते हैं क्या है कि प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो हमारा जो प्रतिरोधकता होता है उसकी इकाई ओम सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारा कि चालकता की इकाई होती है। तो देखिए, चालकता की इकाई जो होती है महो पर सेंटीमीटर होती है। ओम तो प्रतिरोध की हो गई और महो तो होगी नहीं, ओम सेंटीमीटर भी नहीं होगी, तो क्या होगी, चालकता की इकाई महो पर सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से आप इसको याद करते चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या है कि धारिता की इकाई होती है। तो देखिए, धारिता जो होता है आवेश संग्रह, जो हमारा कैपेसिटर होता है, आवेश संग्रह करने का जो गुण होता है वो धारिता में पाया जाता है। तो यहाँ पर धारिता की इकाई पूछा गया है। तो देखिए, फैराड जो होता है वो धारिता की इकाई होती है, यानी धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर, प्रेरकत्व की इकाई होती है। जो हमारा प्रेरकत्व होता है उसकी इकाई हेनरी होती है। और ओम तो आपको पता है कि प्रतिरोध का होता है, जूल भी पता है, फैराड नहीं पता है, तो यहाँ पर प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए और नोट्स बना लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएँ अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है कि कंडक्टेंस की इकाई होती है। जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसकी इकाई महो भी होती है, साइमेंस भी होती है, ओम इनवर्स भी होती है, ऑल ऑफ दिस, यानी सारी इकाई क्या है, कंडक्टेंस की। तो आप इस क्वेश्चन जो हमारा कंडक्टेंस की इकाई क्वेश्चन नंबर सात है, सारे मात्रक आपको याद होने चाहिए, महो, साइमेंस, ओम इनवर्स और ऑल ऑफ दिस, यानी कि कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, महो भी होती है, साइमेंस भी होती है, ओम इनवर्स भी होता है और ऑल ऑफ दिस सारे होते हैं। तो यहाँ पे डी क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलिए देखते हैं क्या है कि
पावर की इकाई होती है। देखिए पावर की इकाई हमारे आपको पता है कि वाट होती है, क्योंकि जूल जो होती कार की होती है, न्यूटन बल की होती है, वेबर जान ही रहे किसकी होती है, तो यहाँ पे पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा, तो कोई और तरीके से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इसको याद करते चलिएगा। और बाकी देखें यहाँ पे क्या है कि शुद्ध अर्धचालक को कहा जाता है, जो हमारा शुद्ध अर्धचालक है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हमें एक्सट्रेंजिक अर्धचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखे गया है कि यदि 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इनको आप 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ लीजिए फार्मूले से, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 18। अब इसको जब भाग दोगे तो आ जाएगा 1/2, और ये बराबर होता है 1/r के, तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। तो यहाँ ऑप्शन में जहाँ कहीं भी 2 होगा तो वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ओम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिए, देखते हैं क्या है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कि घरेलू वायरिंग में सभी उपकरण जुड़े होते हैं। तो देखिए घरेलू जो वायरिंग होती है वो उसमें जो सारे उपकरण जुड़े होते हैं वो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे कि 6 फैराड तथा 3 फैराड को समांतर में जोड़ने पर तुल्य धारिता होती है। देखिए जो हमारा फैराड होता है किसका मात्रक होता है, धारिता का, तो अगर हम 6 और 3 फैराड को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता क्या होगी, तो पहले आपको समांतर क्रम का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है फार्मूला, सी तुल्य बराबर होता है हमारा C1 + C2 + CN, ऐसे करके डाट डाट करके CN तक होता है। तो मतलब C1 + C2 करके मतलब यहाँ पे 6 और 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 फैराड आ जाएगा। किससे आ जाएगा, हमने बताया कि फार्मूला होता है कि सी तुल्य बराबर C1 + C2 + C3 · CN तक। तो अगर 6 फैराड है 3 फैराड है समांतर क्रम में जोड़ने पर इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 फैराड आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि 5 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित करने का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए 5 ओम के 5 प्रतिरोध यदि हैं, आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 5 + 5 तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी अगर 5 ओम के 5 प्रतिरोध को आप जोड़ेंगे इस प्रकार से 5 + 5 + 5 + 5 + 5 तो सभी को जोड़ेंगे 25 तो आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि 5 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए 5 ओम के 5 प्रतिरोध को इस बार समांतर क्रम में जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए 5 ओम के 5 प्रतिरोध यदि हैं तो इनको यदि आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 ओम आएगा, कैसे आएगा, देखिए 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 तो अब देखिए ऊपर सारे एक हैं और हर सारे समान हैं, तो अंश क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1 यानी 5 बार 1 है, तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 1 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि n ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए n ओम के n प्रतिरोध को आप यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तुल्य प्रतिरोध n स्क्वायर होगा, कैसे होगा, इसे मान लीजिए n ओम, n की जगह हम मान लेते 5 है, तो 5 ओम के 5 प्रतिरोध कैपिटल कैपिटल n यहाँ भी है और कैपिटल n यहाँ भी है, तो मतलब क्या है कि अगर हम n बराबर 5 ले रहे हैं तो मतलब 5 यहाँ भी लेंगे, 5 ओम के अगर हम मान लेते हैं कि 5 ओम के 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, देखिए 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 ओम के 5 प्रतिरोध जोड़ना है तो 5 5 5 5 ऐसे जोड़िए तो 25 आएगा। तो अगर हम ऐसे ना लिख करके इसको इस प्रकार से लिखें n की घात 2 के रूप में यानी 5 की घात 2 के रूप में तब भी तो 25 आएगा। तो यहाँ पे देखिए n ओम के n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध n स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से, और आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि 9 फैराड के 9 कैपेसिटर श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। तो देखिए 9 फैराड के 9 कैपेसिटर को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता क्या होती है, 1 फैराड होती है। तो जैसे हमने बताया कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में फैराड धारिता को जोड़ने का फार्मूला क्या होता है,
श्रेणी क्रम का फार्मूला हमारा होता है, श्रेणी क्रम का हम आपको अगर बताएं तो हमारा होता है 1/c1 + 1/c2 ... 1/cn। और यदि हम समांतर क्रम की बात करें, SM की बात करें, समांतर क्रम की बात करें, तो c1 + c2 होता है। तो आप श्रेणी क्रम में यदि 9 फैराड के 9 कैपेसिटर को तो 9 फैराड के 9 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में यदि आप जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता 1 फैराड होगी। कैसे होगी? 1/9 + 1/9 + 1/9 करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा, हर सारे समान है तो ऊपर एक एक जुड़ करके 9 आ जाएगा और नीचे 9 रहेगा, तो 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 फैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि 9 फैराड के 9 संधारित्र समांतर में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। देखिए 9 फैराड के 9 संधारित्र को यदि आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी तुल्य धारिता 81 हो जाएगी, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है कि c1 + c2 + c3। तो अगर 9 ओम के 9 प्रतिरोध को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 9 + 9 + 9 + 9 यानी कि 9 को 9 बार लिखने का मतलब 9 से गुणा, तो 9 × 9 = 81 तो आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आगे यहाँ पे कि n फैराड के n कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। तो n फैराड के n कैपेसिटर को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता 1 फैराड होती है। कैसे होती है? देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c1 + 1/c2 होता है, डॉट डॉट करके 1/cn होता है। तो आप यदि नीचे n रखेंगे 1/n + 1/n, तो n कैपेसिटर को मतलब n फैराड के n कैपेसिटर को है, n की जगह मान लीजिए 5 है और मतलब यहाँ पे स्मॉल n भी है, तो स्मॉल n भी है, तो n फैराड के n कैपेसिटर मतलब 5 फैराड के 5 कैपेसिटर को यदि आप जोड़ेंगे तो आंसर एक ही तो आएगा, जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में इसके पहले क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पे एक सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि n फैराड के n कैपेसिटर समांतर में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। देखिए n फैराड को यदि आप n फैराड के n कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी जो धारिता हो जाएगी n स्क्वायर फैराड हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम का c1 + c2 + ... cn होता है। तो इस प्रकार से आप हो सकता है। और क्वेश्चन 20 देखिए क्या है कि शुद्ध अर्धचालक 20 यहाँ पे क्या है कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो शुद्ध अर्धचालक में यदि आप अशुद्धि मिलाएंगे तो ये प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि हमने जो आपके लिए बेसिक आप फिल्टर का वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन बताया है कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ, मतलब लाभदायक हुआ है कि नहीं। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।